आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नई साल का एक पोस्टर बनाएंगे। दोस्तों आप नई साल आ रही है दोस्तों और नए साल का एक शानदार पोस्टर बना सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्टर के जरिए आप अपने दोस्तों को बधाई दे सकते हैं दोस्तों नई साल की। और इस पोस्टर को हम बनाएंगे पिक्सल लैब ऐप से। और इस पोस्टर को बनाने में जो जो PNG वगैरह यूज होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। साथ में इस पोस्टर की आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेनी है। और जो ZIP फाइल है उस पर पासवर्ड है, आपको दो स्टेप में पासवर्ड दोस्तों इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। आज के वीडियो को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लिया। अब सबसे पहले दोस्तों पोस्टर को क्रिएट करने के लिए इस न्यू टेक्स्ट को एक बार के लिए आपको डिलीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं, ये वाला यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाला। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी। और गैलरी में जिस भी फोल्डर में दोस्तों अपना बैकग्राउंड वगैरह रखे हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों बैकग्राउंड ने हमने ऐड कर लिया जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर जो अपनी PNG वगैरह है वो ऐड करनी है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जो देख रहे हैं प्लस वाला, इस प्लस पर क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह की 2023 वाली बड़ी बड़ी एक PNG मिल जाएगी। इस PNG को आपको सेट करने के लिए इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं ये वाला दोस्तों, रिलेटिव साइज का। इस पर क्लिक कर लेना है और इसको यहाँ से जो आप देख सकते हैं इसकी साइज को यहाँ से फुल कर लेना, 100 पे कर लेना है। और इस येस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है। फिर आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दोस्तों इस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसे लॉक कर लेना है। इसके बाद दोबारा से प्लस पे जाना है और फ्रॉम गैलरी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं ये वाली आपको टेक्स्ट PNG ऐड कर लेनी है दोस्तों। और फिर इसको रिलेटिव साइज पर जाके आपको फुल कर लेना है और लेयर वाले ऑप्शन पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक स्लोगन PNG दूंगा नई साल की शायरी वाली, जिसकी मैंने टेक्स्ट PNG बना रखी है। उस PNG को ऐड करने के लिए आपको दोबारा प्लस पर जाना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना। कुछ इस तरह की आपको ये वाली PNG मिल जाएगी, इसको रिलेटिव साइज पर जाके आपको फुल कर लेना। कुछ इस तरह से लेयर वाले ऑप्शन पर लॉक कर लेना है। इसके बाद आपको एक जो नई साल के बाद जो अपना एक फेस्टिवल आता है क्रिसमस डे, और उसकी जो मैंने साथ में बना रखी है ना जिसकी एक PNG है उसको हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह की जो कि आप देख सकते हैं ये वाली। और इसको आपको इस साइड कोने में सेट कर लेना कुछ इस तरह से और लेयर पे जाके लॉक कर लेना है। तो दोस्तों अपना लगभग पोस्टर कंप्लीट हो चुका है। इस पोस्टर के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए आपको एक जो नेम प्लेट होती है वो आपको ऐड करनी है। तो प्लस पर चले जाना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह की आपको नेम प्लेट मिल जाएगी, इसको आपको नीचे के साइड में आपको सेट कर लेना है और लेयर पर जाके लॉक कर लेना है। और यहाँ पर जो अपना नाम आप लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके अपनी इमेज यहाँ पर सेट कर लेनी है। तो प्लस पर जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से अपनी इमेज को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरी इमेज सेट कर ली। इन सभी को लॉक कर लूँगा, यहाँ पर अपना नाम लिख लूँगा और इसके बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और फिर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है अल्ट्रा पे, और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है। अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी यूज में लेना है इस पोस्टर को आप ले सकते हैं। इस पोस्टर की आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। पासवर्ड है वो आपको इसी वीडियो में 2 स्टेप में मिल जाएगा। वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।